और ये सलाद को उसके काटने और डेकोरेट करने के तरीके से भी खाने का थोड़ा चार्म बढ़ जाता है। तो कभी ये कैरेट है, इसको स्लाइस करके, कभी छोटे टुकड़े करके, कभी श्रेड करके, ये इसी तरह से बीटरूट को भी, फिर ये खीरा का कभी सलाद बनाए गोल पीसेस काट के, कभी रायते में डाल दे दही फैट के उसके अंदर बारीक टुकड़े करके। ये कैबेज के तो लंबे लंबे लच्छे बढ़िया लगते हैं। और ये टमाटर है, इसकी गोल स्लाइस काटे छोटे टुकड़े, और छोटे टुकड़े करके प्याज के साथ मिक्स करके, और इसके अंदर नमक मिर्च धनिया इतना डाल के भी मिक्स करके बढ़िया सा, ये भी वैरायटी हो जाएगी। और जब भी सलाद बनाए उसके ऊपर ये थोड़ा सा हरा धनिया जरूर डालें। इसकी एक तो खुशबू लुक सब बहुत अट्रैक्टिव होता है। और ये है हरी मिर्च, ज़्यादा तीखी नहीं है, तो थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छे से होगा। तो ये बढ़िया सी अपनी सारी सलाद की वैरायटीज है, बस इसको अभी काट के धो के एंजॉय करेंगे। इसी तरह से गर्मी में भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और ये वेट रिड्यूस करने में भी काफ़ी बेनिफिशियल है। बस एंजॉय करते हैं बढ़िया सा अपना फ्रेश सलाद काट कूट के। आप भी इसी तरह से बनाएं, खाएं, खिलाएं। हैव अ नाइस डे। ये मंडी से लाया गया है बढ़िया सा गाजर, अभी गर्मी में ये ऑरेंज वाले गाजर आते हैं। और ये है बढ़िया से नींबू, गर्मी में जितना हो सके उतना ज़्यादा नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये है, दिखने में हरे हैं पर बहुत ही ज़्यादा रसीले हैं, बहुत ज़्यादा रस निकल रहा है इसके अंदर, और इसकी स्किन भी पतली है, जो कागजी नींबू बोलते हैं वो है। और ये है गुजरात की फेमस केसर कैरी, केसर कैरी तलाला गीर जूनागढ़ की तरफ से। तो इस तरह से ये बढ़िया सी अभी गर्मी में वेजिटेबल्स फ्रूट्स का कॉम्बो बना के अपने आप को हाइड्रेट करके रखें, बस एंजॉय करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो माई पेज। थैंक यू। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।